इसका प्राइस है 25,000 रुपए। की क्या प्राइस है यूनुस भाई? 35,000। समझ गया, ये स्केचर का प्राइस है 15,000 रुपए। उस वक्त मौजूद लाइट हाउस की अंडरग्राउंड मार्केट में, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ एक ऐसी अंडरग्राउंड मार्केट है जहाँ पे शूज की वो वैरायटी है जो आपको बाहर नहीं मिलती, यहाँ इससे कहीं बेहतरीन मिलती है। आए आपको दिखाते हैं। रोलर हैं, ठीक है, व्हीलर हैं, ये वन व्हीलर जो होते हैं इनके लिए बहुत बेहतरीन वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। बच्चों बड़ों की एक्सरसाइज सब कुछ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये बच्चों के भी हैं और मेरे ख्याल से बड़ों के भी हैं। जॉर्डन की आपको फर्स्ट कॉपी नहीं, ओरिजिनल जॉर्डन भी मिलेंगे, नाइक एयर भी मिलेगा और एडिडास भी है, रिबॉक भी है, हुका भी है, एयर मैक्स भी मिलेगा। इधर दिखाएं, इधर दिखाएं, ये देखें, ये देखें, ये एयर मैक्स ओरिजिनल 38 के साइज पर ये मिल जाएगा आपको। अगर ये मैं शूज उठाता हूँ, ठीक है, तो इसके क्या प्राइस है? इसके प्राइस तो है 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार रुपये, ठीक है, है स्केचर में, लेकिन इस स्केचर में हमारे पास पड़ा हुआ है वो कोई अलग ही डिजाइन है। वैसे के तौर पर ये देख सकते हो, ये स्केचर है मेरा, सही, लेकिन ये स्केचर ऐसा है कि बंदों ने देखा है, इस डिजाइन को बंदों ने देखा है, पहना है, पहना ना होना तो स्केचर के ब्रांड पे लोगों ने देखा है या कंपनी पे देखा है, समझ गया। ये स्केचर का प्राइस है 15,000 रुपए, 15,000। अब इस स्केचर में मेरे पास ऐसा पड़ा हुआ जिसका नाम है मसाज फिट, है स्केचर ब्रांड, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा है, 2022 का मॉडल, ये रहा होने पे रखा हुआ। अच्छा, ये 2022 का है, 2022 मॉडल, ये रहा, ठीक है। और क्या प्राइस है इसके? इसका प्राइस है 25,000 रुपए, 25,000 है स्केचर का, लेकिन ये देख सकते हो स्केचर इधर है और इधर मसाज फिट का, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं देखा क्योंकि नया मॉडल आया हुआ, क्योंकि इस मार्केट में वो चीज आता है जो बंदे को मिलता है, अच्छी अच्छी चीज, एक से नया चीज मिलता है। बिल्कुल, यानी कि आपके पास ये कहता रहे कि 2022 के भी वो ब्रांड पड़े हैं आपके पास जो कि आम मार्केट में नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, ये सही है, जैसे ये हो गया ग्रिपर, फुटबॉल शूज है, बिल्कुल फुटबॉल शूज है, मेसी, मेसी रोनाल्डो, ये मेसी वालों का, ये मेसी वालों का एडिडास, एडिडास दिखाइएगा। नेवी ग्रीन का तो रेट है, प्राइस है 3500 रुपए, 3500। ब्लैक आ गया, ब्लैक आ गया, ब्लैक का है 25, यस। तो फिर ये तो बहुत, ये हो गया 7000। क्या साइज है? 11। इसके ऐसे बंदों को भी इजाजत है कि वो डर है ना कि भाई मेरा फिर का शूज तो मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन ये एसिक्स ब्रांड है, ये आप देख सकते हो, इसका प्राइस है 5,500 रुपए। साइज बहुत बड़ा, ये नजरिंग को बताने के लिए, यहाँ पे वो चीज भी है कि ऐसा नहीं है कि कोई छोटा 40, 41, 42 वाले साइज नहीं, 53 तक साइज पड़ा हुआ, 53 तक साइज पड़ा हुआ। और ये ब्लैक ब्लैक भी है, ये ब्रूक्स ब्रांड है, ये ब्रूक्स होता है, ठीक है, बेहतरीन। ये नया है या यूज है? नहीं नहीं, यूज है, यूज है, यूज में इतनी फिनिश है, देख रहे हैं आप कि ये यूज क्वालिटी में, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा सोल है जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता देखने में कि ये यूज्ड है। यस बिल्कुल। इसकी क्या प्राइस बताइए आपने? इसके प्राइस है 11,000। 11,000 की प्राइस है, ठीक। और इसके अंदर छोटा से छोटा साइज रहता है, छोटा साइज भी आता है, ये रहा स्केचर का है, स्केचर है, ठीक है, रनिंग शूज में आ जाएगा, हाँ ठीक है, ग्रिपर है, ठीक है, ये भी इसको सकता है। अच्छा, इसके प्राइस बताइएगा, ये जो अपना ऑरेंज पिंक टाइप का है, ये क्या प्राइस है? ये नाइकी का है, ये 4,500 रुपए का, 4,500 जी, ठीक। आजकल का जो चल रहा है जॉर्डन, जॉर्डन तो बहुत ऑन है, जॉर्डन ये बास्केटबॉल, इसका रेट है 15,000 रुपए, 15,000 ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल, ओके, नाइकी फोर्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्केचर ब्रांड की सैंडल, आप वजन चेक करें, इसका तो वजन ही नहीं है, इसका तो बिल्कुल, कहते हैं कि ये मतलब कोई भी अच्छी चीज का जब पता चलता है कि उसके वेट से या तो लो होगा या तो हाई होगा, और लेकिन इसका वेट नहीं है, लेकिन इसकी ग्रिप ऐसी आ रही है कि हाथ में लेने से ही पता चल रहा है कि ये जो चीज है वो वर्थफुल है, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है यूनुस भाई? 35,000। 35,000, 35,000 बिल्कुल ब्रांड न्यू, लुक एट दिस,
ये हमारे यूनुस भाई की शॉप पे ही आपको ऐसी चीज मिलेगी, वरना ऐसी चीज हमने लाइट हाउस में अभी तक यूज में देखी नहीं। और अगर है पुलिस वाले के लॉन्ग शूज, जिप वाले, जिप वाले भी एक से एक मिलेंगे, 12 तक साइज मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो ये लॉन्ग शूज है, ये और ये है 8 नंबर वाला, और ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल ये फ्रेश है। 8 नंबर मतलब 40-41 होगा ये। हाँ, 8 से लेकर 12 तक सब पड़ा हुआ। और ये डॉन कार्लोस का, डॉन कार्लोस का ठीक है। ये हश पपीस का, ये शपी का, ये हश पपीस का, और ये डॉन कार्लोस। तो यूनुस भाई इसकी क्या प्राइस है, डॉन कार्लोस की क्या प्राइस है? डॉन कार्लोस की प्राइस है भाई जान 7000 रुपए, ठीक है। और ये हश पपीस वाले की जो प्राइस है 5500 रुपए, ठीक है। और इसके अंदर एक ये पड़ा हुआ है तुर्की का, वाइड्स तुर्की का, ये है 12000 रुपए का, ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये यूनुस भाई, ये जो आप प्राइस बता रहे हैं, इसमें अगर कस्टमर आपके पास आता है तो कुछ गुंजाइश निकल सकती है? ये फिक्स है? नहीं, गुंजाइश तो होती है, निकल सकती है, मतलब गुंजाइश निकल सकती है। ऐसे तो क्या ग्राहक को बोलता है गुंजाइश कर सकते हो, हम बोलते हैं चलो आपके साथ कर लेते हैं, यानी कि रीजनेबल हो जाएगा। जी, रीजनेबल हो जाएगा। यूनुस भाई ये बताइएगा, ये पहले सबसे पहले मार्केट का एड्रेस बताएं, ये कहाँ पर है? ये मार्केट लाइट हाउस के अंदर जैसे आता है बंदा हाजी सरदार शॉपिंग मॉल से, ये मशहूर है, इसका नाम बेसमेंट मार्केट है, पूरे लाइट हाउस में मशहूर मार्केट है। ग्राहक आता पहले बेसमेंट मार्केट का मशवरा पूछते कि किधर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफिस वाले शूज भी है, ट्रेकिंग वाले शूज भी है, चप्पल भी है, सैंडल भी है, जॉगर्स भी है, सब कुछ इधर मिलता है और मुनासिब कीमत में मिलता है। इस वजह से बंदे इधर आते, कोशिश करते हैं कि अच्छी अच्छा मिल जाए और मुनासिब कीमत में मिल जाए। लेडीज वैरायटी जो है ना, लेडीज ज्यादातर मार्केटों में नहीं है। लाइट हाउस कितना बड़ा मार्केट है, लेकिन लाइट हाउस में सिर्फ बेसमेंट मार्केट है। बेसमेंट मार्केट में लेडीज सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये एक पीछे वाली शॉप है, एक मेरे बराबर में शॉप है और एक पहला दुकान में शॉप है। ये दोनों शॉप में लेडीज की वैरायटी मिलती है, अच्छी वैरायटी मिलती है। ये हम लोग खुद छंटे करके उठाते हैं ना, इसलिए इधर लेडीज कहता है कि मुझे, अगर बंदा कहता है कि मुझे अच्छा चीज मिले, तो इधर बंदा एक से एक चीज ला के रखता है और मुनासिब कीमत दे देता है। अब हर बंदा बोलता है कि हमारे जो जेब में कुछ बच जाए, 100-50 बच जाए, लेकिन मार्केट में जाएगा ना, जैसे एक चीज होगा ना, वो चीज वहाँ यहाँ पे पड़ा रहेगा 3000 या 3500। जैसे कि ये चप्पल है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ, इसका रेट है इधर 1200 रुपया। आप मार्केटों में टच करोगे तो वो बोलते हैं 1500, 1800, 2000, लेकिन हम वो रेट नहीं बताते हैं। ग्राहक भी ऐसा होता है, हर ग्राहक कहता है कि मुझे 150-100 मिल जाए। ज्यादातर इस मार्केट के अपने पुराने ग्राहक है, यहाँ से शूज लेकर जाते हैं और फिर वो उसका दोस्त पूछते हैं कि भाई तूने तो शूज बहुत अच्छा खरीदा, तो इसलिए वो 2-3 बंदूर साथियों को लेकर आता है, वो जाके अपने और दोस्तों को जो है ना ये बात बताता है।